दोस्तों आगामी T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में मौजूदा कप्तान विराट कोहली की जगह टीम इंडिया के कप्तान हो सकते हैं। इस बात को लेकर चर्चा का दौर पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन विराट कोहली की हाल ही में कप्तानी छोड़ने की घोषणा के बाद यह चर्चाएं और बढ़ गई हैं। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने अक्टूबर नवम्बर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 प्रारूप की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनकी जगह रोहित शर्मा इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान बनाए जा सकते हैं, ऐसी पूरी उम्मीदें हैं। विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी पर फोकस कर एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की पोजीशन हासिल करना चाहते हैं। ये आमतौर पर देखा गया है कि हर कप्तान के आते ही टीम में बड़े बदलाव होते हैं। भारतीय टीम में ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो रोहित शर्मा के T20 कप्तान बनते ही टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन 3 खिलाड़ियों के बारे में। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ईशान किशन शानदार विकेट कीपिंग के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी में भी माहिर हैं। इस साल ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनका चयन हुआ है। ईशान किशन IPL में रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध T20 श्रृंखला में ईशान का प्रदर्शन काफी शानदार था। भारतीय चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें विकेट कीपर के तौर पर टीम में जगह दी। हालांकि भारतीय टीम में ऋषभ पंत के तौर पर एक और विकेट कीपर मौजूद है। ऐसे में यदि ऋषभ पंत का प्रदर्शन फीका नजर आता है तो रोहित शर्मा उनकी जगह ईशान किशन को दे सकते हैं। अब तक वनडे और T20 में खेल चुके ईशान किशन अपना सब कुछ इस वर्ल्ड कप में झोंकने की तैयारी में हैं, जो उनके प्रशंसकों को उन पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। सूर्य कुमार यादव ने जितनी तेजी से भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की की है वो अपने आप में बेमिसाल है। हालांकि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन्हें जितने भी मौके मिले उसमें उन्होंने खुद को साबित किया और सेलेक्टर्स ने भी उन पर अपना भरोसा जताया। सूर्य कुमार यादव ने अपने क्रिकेट करियर में अभी तक सिर्फ 4 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, लेकिन इन मैचों में अपनी पारियों के दम पर उन्होंने अपनी प्रतिभा साबित की और इसी का परिणाम रहा कि वो T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे में रोहित शर्मा एक लाजवाब खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल जरूर करेंगे। युजवेंद्र चहल का भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय T20 में शानदार रिकॉर्ड रहा और वे पिछले 2 साल में सीमित ओवर के प्रारूप में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ स्पिनर रहे। हालांकि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई, लेकिन सभी जानते हैं कि वे कितने माहिर खिलाड़ी हैं और वह जल्द ही टीम में एक अहम स्पिनर की भूमिका दिखाते हुए नजर आएंगे। यही कारण है कि रोहित शर्मा के कप्तान बनने के बाद वे युजवेंद्र चहल को जरूर प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे।